गुना अखाड़े के महामंडलेश्वर यदि नरसिंहानंद गिरी महाराज हो, पूर्व बीजेपी प्रवक्ता नूपुर शर्मा या फिर नासिक के रामगिरी महाराज जी, इन चेहरों से, इन नामों से समूचे इस्लामिक दुनिया अच्छे से परिचित है। इनके खिलाफ सड़क पर प्रदर्शन हुए, इन पर एनएसए और रासुका लगाने की मांग उठी, इस्लामिक ताकतों ने इनका बहिष्कार किया। वजह, नबी की शान में गुस्ताखी, पैगंबर पर विवादित टिप्पणी। कैराना से सांसद इकरा हसन बकायदा खुद का वीडियो जारी करते हुए यदि नरसिंहानंद के खिलाफ हेट स्पीच के तहत सख्त से सख्त कार्रवाई करने की मांग भी कर रही हैं। अस्सलाम वालेकुम, आदाब। आज एक बेहद जरूरी मुद्दे के लिए मैं आपके सामने आई हूँ। यति नरसिंहानंद जैसे ढोंगी पाखंडी लोगों ने फिर एक बार अपनी जुबान से नफरत का जहर उगला है और हमारे प्यारे नबी की शान में गुस्ताखी की है, जो हम सबके लिए नाकाबिले बर्दाश्त है। प्यारे नबी जो पूरी दुनिया के लिए रहमत और शांति का पैगाम लेकर आए थे, उनकी शान में ये गंदी जुबान से अपमान कर रहा है, जो कि हर अमन पसंद हिंदुस्तानी, चाहे वे हिंदू हो या मुसलमान, हर एक के लिए नाकाबिले बर्दाश्त है। ये हर बार अपनी जुबान से नफरत का बीज बोकर कानून से बच जाता है, क्योंकि राज्य सरकारें ईमानदारी से अपना फर्ज नहीं निभा रही। मैं केंद्र सरकार और राज्य सरकारों के जिम्मेदारों को ये कहना चाहती हूँ कि अब उनका ये ढुलमुल रवैया नहीं चलेगा। यदि नरसिंहानंद और इन जैसे नफरती पाखंडियों के खिलाफ दिखावटी कार्रवाई ना की जाए, बल्कि हेट स्पीच, यूएपीए और एनएसए की गंभीर धाराओं में इनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, ताकि ये एक नज़ीर बन सके और आइंदा कोई ऐसी जुर्रत ना कर सके। ऐसा ना होने पर हम संसद और सुप्रीम कोर्ट में हर मुमकिन कार्रवाई करेंगे, अपना विरोध दर्ज करेंगे और संविधान ने हमें जो सर उठा के जीने का अधिकार दिया है, उसे हम लेकर रहेंगे, हरगिज चुप नहीं बैठेंगे। जो लोग खुद को भारत के 17 करोड़ मुसलमानों का खलीफा समझते हैं, उन्हें इस्लाम की कितनी समझ? ये हमारी समझ से तो परे है, लेकिन हाल ही में यति नरसिंहानंद महाराज ने पैगंबर को लेकर जो कुछ भी कहा, वो कितना अनुचित है, इसकी सच्चाई जानने के लिए हमारी मुलाकात इस्लामिक स्कॉलर और राष्ट्रवादी विचारक तुफैल चतुर्वेदी जी से हुई। उन्होंने इस पूरे मसले का कौन सा आईना दिखाने की कोशिश की, आइए उन्हीं की जुबानी जानते हैं। देखिए, किसी भी चीज को, पास्ट को, उसकी खूबी है कि अंडो नहीं किया जा सकता। आज से 50 साल पहले या 1500 साल पहले जो भी घटना घटी, उसको बदला नहीं जा सकता। तो जो हो चुका है उसको क्या उस पर चर्चा करें। कठिनाई दूसरी है कि मुसलमानों में एक परंपरा है जिसको कहते हैं सुन्नत। सुन्नत का मतलब है मोहम्मद ने जो जिंदगी जी, वो जिंदगी प्रत्येक मुसलमान पर बिताना फर्ज है। उसके ऊपर ये आवश्यक है कि वो उस मोहम्मद के किए धरे को अपनी जिंदगी में उतारे, और वो सारा किया हुआ काम हदीसों में दर्ज है। 6 किताबें हैं हदीसें, और उनको बहुत पुष्ट माना जाता है। बुखारी हदीस तो ऐसा है, उसे वही मतलू कहते हैं, चलती फिरती कुरान। तो उसमें जो कुछ दर्ज है वो प्रत्येक मुसलमान को अपने जीवन में उतारना होगा। यानी आप पास्ट मानकर नहीं चल सकते, वो वर्तमान में इन बातों को आपको ध्यान रखना पड़ेगा। तो जाहिर है कि 1500 साल पहले, 1450 साल पहले जो कुछ भी घटित हुआ है, वो आज की मान्यताओं मर्यादाओं से टकरा तो नहीं रहा। अगर टकरा रहा है तो निश्चित रूप से, जैसे एक नियम है, युद्ध होते हैं, भारत का पाकिस्तान से हुआ है, चीन से हुआ है, और 71 में हमने पाकिस्तान को मरमान तक पराजय दी। उसके 1,00,000 के आसपास सैनिक हमने सरेंडर करा लिए, बांग्लादेश को हमने अपने हाथ में लिया, और उसके बाद उसकी सारी व्यवस्थाएं बना के छोड़ दिया। और भी अन्य देशों में ऐसा होता है। तो जो सिविलियंस हैं वो स्वतंत्र होते हैं, वो युद्ध से परे होते हैं। किसी भी सिविलियन के ऊपर गोली चलाना, मारना अपराध है। किसी भी सैनिक ने अगर सरेंडर कर दिया तो उसको मारा नहीं जा सकता। मोहम्मद के समय की चीजें हैं। बनु कुरैज़ा यहूदियों का एक किला था, उस पर हमला किया और उसमें जितने पुरुष थे सबको पकड़ लिया। आप चाहेंगे तो इसके रेफरेंसेस में दे सकूंगा। और ऐसे सारे बच्चे जिनकी नाभि से नीचे बाल नहीं आए थे, उन्हें छोड़ के बाकी सबके गले काट दिए। 800 से 1,000 लोग, कुछ में 600 हैं, कुछ में 700 हैं, कुछ में 800, इस तरह से लोग मार दिए गए। ये सैनिक नहीं थे, निहत्थे लोग थे, सिविलियंस थे। आज के कानून के हिसाब से ये गलत है, हम इसकी आलोचना करेंगे। फिर जो लड़कियां वहां पकड़ी गईं, उनको सेक्स स्लेव बना लिया गया या बाजारों में बेच दिया गया। ये सब, इन सारी चीजों के डॉक्यूमेंटेशन इस्लामी किताबों में है।
और आप इसको सुन्नत मानते हैं, परंपरागत रूप से मानते हैं, यानी मुसलमान कहीं हमला करेंगे और वहां काफिरों को या नॉन मुस्लिम्स के जो घर की महिलाएं होंगी उनको सेक्स स्लेव बना लिया जाएगा, इसका विरोध तो करना पड़ेगा। तो यति नरसिंहानंद जी ने इतना ही कहा है कि वो सारी बातें जो उस काल के लोगों की व्यवस्था थी, उस व्यवस्था को आज के समय में कैसे माना जा सकता, वो उसका विरोध कर रहे हैं। और उसका विरोध करने का कारण यह है कि उन किताबों को जो बाजार में उपलब्ध हैं, ऐसा नहीं है कि मोहम्मद के समय में थी या उस समय का व्यवहार था तो उसको लेकर कोई इस्लामी समाज में व्यवस्था नहीं। इस्लामी समाज में उन सब का चरण है, उनके हिसाब से आज भी फतवे दिए जाते हैं कि रसूलुल्लाह ने ये किया, रसूलुल्लाह ने वो किया, उन्होंने फलाने नहीं किया और धमाके ने ये किया, उन सारी बातों को जीवन में उतारते हैं। यानी 1500 साल पहले जो जीवन शैली थी, जिस जमाने में बिल्कुल अंगूठा टेक लोग थे, अनपढ़ लोग थे, वो सारी जीवन शैली आज उतारना चाहते हैं तो उसका तो विरोध करेंगे ही करेंगे। वही लोग हैं जिन्होंने हमस के हथियार के ढंग से और यहूदियों पर हमला किया इसराइल में। आप कल्पना कर सकते हैं कि 6 महीने की बच्ची, उसको ओवन में डाल दिया, उसकी माँ को रेप कर रहे हैं, फोटो ले रहे हैं, और बच्ची चीखे मार रही, जल रही है, भुन रही है, मगर काफिरों का कत्ल वाजिब है, तो इन बातों का विरोध तो करना ही पड़ेगा, अन्यथा सभ्य समाज जाएगा कहां। तो यति जी ने कुछ भी ऐसा नहीं कहा जो गलत हो, और अगर यति जी की बात गलत है तो उनको शास्त्रार्थ की चुनौती वो दे रहे हैं, उनकी चुनौती को स्वीकार कीजिए, सामने आइए, सामान्य ढंग से मत करिए, उनकी जगह मत करिए, आप कैनॉट प्लेस के बीच में जो पार्क है वहां बहस कीजिए, मंच लगाइए, इस्लामी विद्वान आए और जो लोग इस प्रकार की बात कर रहे हैं वो आए, सारा मीडिया मौजूद हो, और एक बात हमेशा के लिए बात सेटल हो जाए, ये सच क्या है। एक व्यवहार नहीं, इस तरह की दसों चीजें हैं जो आज के व्यवहार के हिसाब से अनुचित हैं, तो उन सारी परंपराओं को चूंकि आप मानते हैं इसलिए सवाल उठ रहे हैं। यति जी इसमें जिम्मेदार नहीं है, आपकी मान्यता ही जिम्मेदार है। देखिए, एक बड़ी सामान्य सी बात है कि भारत में जो व्यवस्था है वो प्रजातंत्र है, प्रजातंत्र में जिसके पास वोट है उसका महत्व है, और ये वैश्विक स्तर पर है, जहां जहां डेमोक्रेसी है वो इस्लाम का टूल बनी हुई उसको फेवर करती है। कारण कि हर पार्लियामेंट की कॉन्स्टिट्यूएंसी में, कहीं हो चाहे वो इंग्लैंड की हो, फ्रांस की हो, जर्मनी की हो, भारत की हो, अमेरिका की हो, 1,50,000, 2,00,000 उन वोटों के लिए सबकी जबान लग पाती है, तो वो जो बोल रहे हो उनके फेवर में लोग बातें करते हैं। आखिर ये सारी बातें जो मैं कह रहा हूं, ये यति जी ने कही है और लोग जो कह रहे हैं, नूपुर शर्मा ने तो बहुत दब पिछक के बात की, माफिया मांगी 3-4-5 बार, और बिल्कुल उसने ऐसा कुछ भी नहीं, आप मैं ये कह दूं तो आपको कैसा लगेगा और मैं मुंह कह दूं तो आपको कैसा लगेगा, उसने कोई ताल ठोक के बात नहीं की, बाकायदा शर्मिंदा हुई बार बार वो, तो उसको इशू बना दिया गया। और दुर्भाग्य है कि जो राष्ट्रवादी विचारों की सरकार, जिसे हम मानते हैं कि भाजपा को राष्ट्रवादी होना चाहिए, उसने उसे प्रोटेक्ट नहीं किया, मदद की, ऐसा नहीं है। आखिर बाहर से पुलिस आई, महाराष्ट्र की पुलिस दिल्ली में आई 3 बार, पकड़ नहीं पाई, तो दिल्ली की पुलिस अगर सपोर्ट नहीं कर रही होती, दिल्ली में सरकार सपोर्ट नहीं कर रही होती, तो ऐसा कैसे हो सकता था कि गिरफ्तार ना हो। 3 बार ऐसा हुआ, बच गई वो लड़की, तो मगर उसने कोई बड़ी दृढ़ता से बात नहीं की, बात वही की जो ठीक थी। मुल्ला आरोप लगा रहा है, मैं स्वयं मूर्ति पूजा के विरोध में हूं, मगर वो जिस तरह से शिवलिंग के बारे में बातें कर रहा है और चीजें बात कर रहा है, क्योंकि दो में से एक चीज तय कर लीजिए, या तो हम आलोचना नहीं करेंगे, आप भी मत कीजिए, हम भी नहीं करते, दोनों अपनी अपनी मान्यताओं पर। आप दिन में 5 वक्त नमाज पढ़ेंगे जिसमें अजान दी जाएगी कि नहीं है अल्लाह के सिवा कोई पूज्य, सारे गलत खुदा बताएंगे आप, तो दूसरों को भी तो अधिकार है फिर वो सवाल पूछें, आप कैसे मना कर सकते हैं। तो ये तो कोई बात ही नहीं हुई, जित मैं जीता पट तुम मारे अंटा मेरे बाप का, मैं इसकी भी जो मैं कह रहा हूं वो सही है, जो तुम कह रहे हो गलत है, और इसका आधार क्या है, इसका आधार ये कि मेरे पास तगड़ी भुजा है या मेरे पास बूट है, तो ये बेसिकली गलत चीज है, इसके विरोध में कोई भी बात करेगा